नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के शेयर के बारे में। कल की डेट यानी 13 अगस्त 2021 को Q1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि कंपनी ने कैसा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है Q1 के रिजल्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड के रिजल्ट्स हैं आपके सामने। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो जनरेट किया है 30 जून 2021 को 45,815 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 44,500 करोड़ का था। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छे रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है। अगर बात की जाए पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 36,692 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल कर आता है 15,019 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 14,825 करोड़ का था, और फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल 8,918 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेट पिछले साल के मुकाबले जो प्रॉफिट आया है वो डबल हुआ, यानी कि 100% के रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100% का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर बनाया है। अगर डिटेल में बात करी जाए यानी कि एक्सपेंसेस वगैरह कितने किए हैं, कहाँ कहाँ क्या खर्चा किया, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट से जो इनकम हुई है वो 16,601 करोड़ की हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 11,763 करोड़ की थी। और बात की जाए 30 जून 2020 की, तो यहाँ पर 8,722 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट से इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छी इनकम है, और अगर बात की जाए पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से तो अप्रॉक्सीमेट डबल इनकम यहाँ पर इंटरेस्ट से कंपनी ने बनाई है। लीज इनकम थोड़ी बहुत यहाँ पर इंक्रीज हुई नहीं दिखती है, यानी कि 29,212 करोड़ की यहाँ पर इनकम है 30 जून में, जो कि लास्ट क्वार्टर में 32,785 करोड़ की थी, और एक साल पहले 27,969 करोड़ की देखने को मिलती है। तो टोटल इनकम में अच्छी ग्रोथ है 45,816 करोड़ की। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर 30,734 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 29,178 करोड़ का था, और 30 जून 2020 को 27,406 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं 30,796 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 29,724 करोड़, और एक साल पहले फर्स्ट क्वार्टर में 27,774 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो टोटल अगर सारी फिगर आउट निकालने के बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 15,019 करोड़ इस क्वार्टर में, 14,825 करोड़ 31 मार्च 2021 वाले क्वार्टर में, और 8,918 करोड़ 30 जून 2020 वाले क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हर क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक PSU कंपनी है, साथ के साथ फाइनेंशियल अच्छे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, किसी भी प्रकार का पैसा डूबने जैसा यहाँ पर खतरा हमें नहीं दिखता, और साथ के साथ बात की जाए डिविडेंड देने में नंबर वन कंपनी है। और अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट करती रही तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। अगर ग्राफ के बिहार पर देखा जाए तो जब से इसका IPO आया है, यानी कि IRFC का IPO आया है, तब से ना तो ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिला है और ना ही इन्वेस्टर को अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। क्योंकि देखिए कल के दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी 20 पैसे की, अगर 5 दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ पर मामूली सी तेज़ी जो है हमें देखने को मिलती है, 15 पैसे की बढ़ोतरी, एक महीने में 1% तक का रिटर्न, 6 मंथ में 7.77% का नेगेटिव रिटर्न, केवल 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.23% का नेगेटिव रिटर्न। तो अप्रॉक्सीमेट स्टॉक ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाकर दिया है, मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म में मामूली सी इनकम यहाँ पर बना ली होगी वो अलग बात है, लेकिन जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म का फोकस रखकर बने हुए थे उन लोगों को अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं यहाँ पर नज़र आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर भरोसा अच्छा है, गवर्नमेंट की पूरी पूरी अंडरटेकिंग है कंपनी के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, और अगर आप एक सेफ स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित रहे और आपको एक अच्छी इनकम इन फ्यूचर में मिलती रहे, तो आप IRFC के शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डिविडेंड बहुत अच्छे देती हैं, अगर आप डिविडेंड से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस शेयर में इन्वेस्ट जरूर कर दीजिए। और जिस तरह से रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और अगर इसी तरह कंपनी परफॉर्म करती रही तो आज ये तो 23 रुपये वाला शेयर है, 23-23.5 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, आने वाले टाइम पे इसके रेट्स जो हैं कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करके अच्छी तरह से एनालिसिस करके इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको पैसा लगाना चाहिए, कुछ एक शेयर यहाँ पर आपको ज़रूर होल्ड करने चाहिए, क्योंकि एवरग्रीन शेयर है, कभी ना डूबने वाला कभी ना ख़त्म होने वाला शेयर है,
और फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडियन रेलवेज के अंदर नए नए प्लान्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ग्रोइंग कंपनी बन रही है इंडियन रेलवेज। तो जिस तरह से इंडियन रेलवे ग्रो हो रहा है, उसी तरह से IRFC की कंपनी और IRFC का शेयर भी ग्रो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बाय की पोजीशन बनाइए, और जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा इनकम यहाँ पर बना पाएंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।